मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है तंत्र से वस्त्र तक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स या फिर मैसेज चैट में या पर्सनली कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में तंतु से वस्त्र तक यानी तंतु तथा वस्त्र के बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा और सभी टॉपिक्स को जैसे जैसे पढ़ाया जाए हम सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलिए, माइंड को कंसंट्रेट करें। तो चलिए आइए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पहला क्वेश्चन क्या कहता है चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? प्राकृतिक तंतु क्या होता है, किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं क्या होता है। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है कि कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊन पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। एग्जांपल में क्या है? कपास, ऊन, रेशम आदि। तो प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? आपके सामने था कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि। तो चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, बुनाई किसे कहते हैं? बुनाई आपने देखा होगा, बुनाई के बारे में सुना भी होगा। तो बुनाई किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। क्या होता है बुनाई? तागों के दो सेट, आपने देखा होगा दो सेट से बुनाई करते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक रेशा, एक होता है संश्लेषित रेशा। ठीक, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, प्राकृतिक रेशा क्या होता है, संश्लेषित रेशा क्या होता है। तो चलिए जरा उससे पहले जरा क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। आपके नोटबुक में जो आपका जो बुक है साइंस की, जो बुक है क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक में, अभ्यास काल में रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। मतलब क्वेश्चन में आपके अभ्यास काल में रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है, जिसमें दो क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो ये अभ्यास कार्य के दो क्वेश्चन जरा देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला क्वेश्चन है, गांव में डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त होते हैं। तो किससे प्राप्त होते हैं? कपास और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा नंबर क्या है, डैश और डैश जांतव तंतु हैं। तो क्या क्या चीजें हैं? ऊन और रेशम जांतव तंतु हैं। मतलब क्या है कि ऊन और रेशम किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो क्या है? ऊन और रेशम जांतव तंतु है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं जरा आप लोगों को एक बात बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 सभी बच्चे पूरा पैराग्राफ, जितना भी आपका टॉपिक दिया है आपके बुक में, उस सभी को एकदम जैसे कहानी के रूप में पढ़ते हैं वैसे पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। पढ़ने से क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि चैप्टर में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, जो कि आप लोग पढ़ेंगे तो आपको नई नई चीजें पता चलेंगी, नई नई चीजों के बारे में आपको अध्ययन होगा। तो कृपया आप लोग जितना भी आपका चैप्टर है उस चैप्टर को पूरा कहानी के रूप में पढ़ें और उसके बाद तब जाके इन सभी क्वेश्चंस के बारे में समझें। अगर आपने पूरा एक्सरसाइज, पूरा जो आपका चैप्टर है कंप्लीट कर लिया और आपने पूरा उसको पढ़ लिया, तो जितने भी आपको यहाँ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जितने भी आपको ये सभी पढ़ाया जा रहा है, इन सभी को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो सभी बच्चे पूरा चैप्टर ओवरऑल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और उसके बाद तब जाके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है चलिए देखते हैं जरा। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित में वर्गीकृत करें। मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ तंतु दिए गए हैं जैसे कि नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर और पटसन। इसमें हमें यह बताना है कि
कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा संश्लेषित है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला आता है नायलॉन। नायलॉन क्या है? प्राकृतिक है, संश्लेषित है। तो नायलॉन क्या होता है? संश्लेषित होता है, ठीक। दूसरा क्या है? ऊन। ऊन क्या है? प्राकृतिक तंतु है। कैसे प्राकृतिक तंतु है? ऊन किससे पाया जाता है? जंतु से पाया जाता है। कौन से जंतु से? भेड़ से पाया जाता है। तो ऊन क्या है? प्राकृतिक तंतु है। रुई क्या है? प्राकृतिक तंतु है। पॉलिस्टर क्या है? संश्लेषित तंतु है। रेशम क्या है? प्राकृतिक तंतु है। और पटसन क्या है? प्राकृतिक तंतु है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें तंतु दिए गए थे जिसमें प्राकृतिक और संश्लेषित के बारे में बताना था, जो कि आपके सामने दर्शाया गया है। तो जरा सभी बच्चे इस टॉपिक को जरूर पढ़ेंगे कि नायलॉन क्या होता है, प्राकृतिक है, संश्लेषित है, रुई, ऊन, पॉलिस्टर, रेशम, पटसन, इसके बारे में अवश्य ज्ञान लेना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो क्या है? रुई कपास के पौधे के फल से प्राप्त होता है। रुई किससे प्राप्त होता है? कपास के पौधे के फल से प्राप्त होता है। जबकि जूट किससे प्राप्त होता है? जूट पादप के तने से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जूट पादप के तने से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तो कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आपके एक्सरसाइज में, अभ्यास कार्य में असत्य तथा असत्य के बारे में टॉपिक दिया गया है, क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए उसकी तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सत्य अथवा असत्य का उल्लेख है, जिसमें पहला है तंतुओं से तागा बनता है। तंतुओं से तागा बनता है, हाँ बनता है, एकदम सत्य। मतलब क्या है कि तागा किससे बनता है? तंतुओं से बनता है। तागा किससे बनता है? तंतुओं से बनता है। दूसरा है कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। मतलब कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, हाँ सत्य। जो कताई है एक वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। गा नंबर क्या आते हैं? जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट जो होता है वो नारियल का बाहरी आवरण होता है, असत्य गलत है। जूट नारियल के बाहरी आवरण प्राप्त नहीं होता है। इसे जूट किससे प्राप्त होता है? पादप के तने से प्राप्त होता है। और रुई से बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। क्वेश्चन लेना, रुई से बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सत्य। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। मतलब तागों की जब बुनाई करते हैं तो क्या वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है? एकदम सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, असत्य। क्या लिखा है? रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है ना। रेशम क्या होता है? प्राकृतिक होता है, तो किसी पादप के तने से प्राप्त नहीं होता है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु, यहां पर क्या लिखा है? पॉलिस्टर एक संश्लेषित तंतु है, ना कि प्राकृतिक तंतु, असत्य। नारियल के जो ऊपर का कवर छिलका जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे बनाया जाता है।
नारियल की रस्सी और दूसरा नारियल का पैदा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चलिए ये जानते हैं। तंतुओं से तारा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। मतलब क्या है, तंतुओं से तारा कैसे बनता है उसके बारे में जरा हमें अच्छे से बताइए। तो चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो जरा इसको ध्यान से समझेंगे। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी एग्जाम में, कताई किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। मतलब क्या है, इस प्रक्रिया में रुई के जो पुंज होते हैं उसमें रेशे को खींचकर उसको क्या करते हैं, हम लोग ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं, जो कि दूर दूर होते क्या होते हैं, ऐंठेंगे तो क्या हो, पास पास आ जाएंगे और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तपुआ का उपयोग किया जाता है। आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे आप पूछिएगा हस्त तपुआ क्या होता है, शायद उनके पास होगा, वो दिखाएंगे भी आपको। तो कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तपुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर तकली कहते हैं। हाथ में प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। गांधी जी चरखा चलाते थे, आप सुने होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो वही चरखा है। हाथ में प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। अधिक पैमाने पर तारों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग तंतुओं से तागा का निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि जितना भी टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है उन सभी टॉपिक को आप अपने नोटबुक में बड़े सफाई से लिखेंगे और जल्द ही हमारा कॉलेज खुलेगा। जैसे ही हमारा कॉलेज खुलेगा जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी चैप्टर का लिखित आपकी कॉपी को चेक किया जाएगा और जिसका कॉपी जिसका काम नहीं पूर्ण रूप से होगा उसको दंड भी दिया जाएगा। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि कार्य को पूर्ण कर दीजिए। धन्यवाद।